कहा जाता है कि तालीमी मैदान में जो लोग पीछे रह गए वह तरक्की के मैदान में भी पीछे छूट गए। तालीम को सबके लिए आसान बनाने के हुकूमतों के दावों के बावजूद आज भी एक बड़ा तबका तालीम से महरूम है। अक्सर रास्तों पर ऐसे छोटे बच्चों को काम करते या भीख मांगते हुए देखा जाता है जिनकी उम्र स्कूल जाने की होती है। इन बच्चों का ताल्लुक ऐसे खानदान से होता है जो बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते हैं। कोलकाता के अहम रास्तों पर कई फ्लाई ओवर बने हुए हैं। इन फ्लाई ओवर के नीचे प्लास्टिक के तिरपाल और बांस की लकड़ियों से बने कच्चे मकानों में जिंदगी बसर करने वाले खानदान अगरचे शहर के दरमियान में रहते हैं लेकिन शहर की जिंदगी के तसव्वुर से भी वाकिफ नहीं होते हैं। ऐसे बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए कोलकाता के कुछ नौजवानों ने एक तंजीम की मदद से चंद माह कबल एक मुहिम शुरू की है जिसके तहत ये कोलकाता के खिजिरपुर हेस्टिंग के पास फ्लाई ओवर के नीचे मौजूद झोपड़ पट्टी के बच्चों को तालीम देते हैं। इस काम में आफरीन अहम रोल अदा कर रही हैं। वह यहाँ के बच्चों को पढ़ाती हैं, वह खुद भी गरीब घराने से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए तालीम हासिल की थी। ईटीवी भारत से बात करते हुए आफरीन ने बताया कि रोज कम से कम 50 बच्चे आते हैं। जी, इसके अलावा हम लोगों का क्लास अभी केला बगान में शुरू होने वाला है और सिख लाइन में इससे पहले चलता भी था और भी कई जगह जो है हम लोगों की बात चल रही है, बस हम लोग कांटेक्ट में हैं और बच्चों को ला रहे हैं। जी, ये हम लोग अपनी तरफ से इंतज़ाम करते हैं और ख़ासकर हम लोग डोनर्स से अपील करते हैं कि आप लोग डोनेट कीजिए, इन बच्चों के लिए डोनेट कीजिए, इनके फ्यूचर के लिए डोनेट कीजिए ताकि क्या हो कि ये बच्चे आगे पढ़ पाए क्योंकि यही हमारे देश का मुस्तकबिल है। कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा। वहीं यहाँ पढ़ने वाली एक बच्ची ने बताया कि उसे पढ़ाई करना अच्छा लगता है और वह पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती हैं। अच्छा लगता है। कौन पढ़ाता है यहाँ पर? आफरीन मैम पढ़ाते हैं। आप चाहती हैं क्या और आगे पढ़े? हाँ। कितना पढ़ना चाहती हैं? क्या बनना चाहती हैं? क्या टीचर। यहाँ शुक्रवार में छुट्टी होता है और डेली दिन आता है, डेली रोज आता है। तो आप यहाँ पढ़ने आते हैं, कैसा लगता है पढ़ना? बहुत अच्छा लगता है। तो आगे जिंदगी में और पढ़ना चाहती हैं? हाँ। क्या बनना चाहती हैं पढ़ने? डॉक्टर। आपके जो है अम्मू पापा वो क्या करते हैं? मेरा पापा रंग का काम करता है, मेरा मम्मी घर का काम करता है। अल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट के एक रुकन ने बताया कि ये बच्चे बहुत ज़हीन हैं, हम इस तरह के क्लासेस पूरे कोलकाता में चलाना चाहते हैं और इस काम में जो हमारी मदद करते रहे हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं। एक से डेढ़ महीना क्रॉस हो चुका है और अभी बीच में हम लोग नहीं आ रहे थे कुछ इशू की वजह से और अब से हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अल इमदाद चैरिटेबल ट्रस्ट की वजह से जो है हो पा रहा है, जो इतने बड़े स्टेप जो लिए हैं, जो कोलकाता से जो ये एजुकेशन इंडिया स्टार्ट हुआ है और चाहते हैं ये जो स्लम बच्चे जो है, जैसा कि ये लोग का दिमाग बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं हर बात को, कोशिश करते हैं और जैसा कि अब ये जो है धीरे धीरे बढ़ेगा और चाहते हैं कि ऐसे ही ये चीज़ कंटिन्यू करते रहे और हमारे जो डोनर्स हैं उन्हें बहुत दिल से अप्रिशिएट है, बहुत दिल से थैंक्स है जो हमें कंटिन्यूसली डोनेट करते रहते हैं। इसी बस्ती में रहने वाली आलम आरा, जिनके बच्चे अल इमदाद के जरिए चलाए जा रहे क्लासेस में पढ़ती हैं, उन्होंने बताया कि अच्छा रहता है, अच्छा लगता आता है पढ़ाने बच्चे लोग को यहाँ पे, बहुत सब अच्छा टाइम पास खेलने कूदता है इसीलिए। हाँ, हम भी चाहते हैं मेरा बच्चा कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाए। हम लोग का रोजगार कुछ नहीं, हम लोग ऐसा मांग चंग के खाने वाले। ईटीवी भारत के लिए कोलकाता से आफाक हैदर की रिपोर्ट।